अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हमारे किचन में बना है कुछ मज़ेदार रेसिपी जो कि फ्रूट्स एंड नट्स मिल्क शेक है। बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स पर ग्लास है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लिए हैं। सबसे पहले मैं अंजीर लूँगी यानी फिग, और थोड़े से काजू, और थोड़ा सा पिस्ता, और आलमंड यानी बादाम से मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़े से अखरोट, और मैंने यहाँ पे ज़ाफ़रान ऐड किया है। ज़ाफ़रान ऐड करूँगी, थोड़ा सा पिंच ऑफ। तो ये मार्केट में बहुत ही इजी से अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लॉन्ग बनाना यानी एक बिग बनाना लिया है मैंने यानी केला, और हनी लूँगी यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी बनाना में यानी केले में तो स्वीटनेस रहता है, और वन ग्लास ऑफ चिल्ड मिल्क यानी एकदम ठंडा सा दूध यानी बॉयल करके इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। आप यहाँ पर आइस क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक जार में केला ऐड कर लिया है यानी बनाना, और इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे हर एक ड्राई फ्रूट्स भी एक बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। सो ये एक ग्लास यानी वन ग्लास क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया है। एक बनाना लिया है और एक एक चम्मच ड्राई फ्रूट्स और पिंच ऑफ ज़ाफ़रान। सो इसे डाल के इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें जाएगा हनी। आप यहाँ पे हनी अवॉइड करके शुगर भी ऐड कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग एक से डेढ़ बड़ा चम्मच हनी यानी शहद का इस्तेमाल किया है, और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ये एकदम पेस्ट बन चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी चिल्ड मिल्क यानी एकदम ठंडा सा दूध, और इसे भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी 10 मिनट के लिए। तो हमारा फ्रूट्स एंड नट्स मिल्क शेक एकदम तैयार हो चुका है। इसे मैं सर्व कर लूँगी एक सर्विंग ग्लास में। सो आप यहाँ पे इसे आइस क्यूब के साथ इस्तेमाल कर सकते हो इन गर्मियों में, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी। और इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े सा पिंच ऑफ ज़ाफ़रान के साथ। तो तैयार है हमारा फ्रूट्स एंड नट्स मिल्क शेक। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे डायरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।